ठीक है, तो आज से मैं तुम दोनों की डांस मास्टर नी जी, कोरियोग्राफर जी। हाँ जी, कोरियोग्राफर। तो ये तो तय हो गया कि आज से मैं आप दोनों को सिखाऊंगी भांगड़ा। अच्छा, क्यों क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बुल्ले जी, आप तो अभी भी आड़े तेड़े सवाल करते हैं मुझसे, लेकिन पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुम दोनों की शक्ल को देख के लगता है कि तुम सिर्फ झगड़ा कर सकते हो, भंगड़ा नहीं। झगड़ा सिर्फ ये करता है, मैं तो शांति का प्रतीक हूँ। वैसे आप सिखाएंगी तो हम कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी सब सीख लेंगे। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं हर फॉर्म में ढल जाता हूँ। ये हुई ना बात, तू सीख, मुझे आपका कोई भंगड़ा वंगड़ा नहीं सीखना। आपको सीखना पड़ेगा और हमारे इस बैसाखी के सेलिब्रेशन में शामिल होना पड़ेगा, वरना हमारे सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, आप तो यूपी से हैं, फिर अचानक से बैसाखी क्यों सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप? मेरे राखी भैया है ना पंजाब से, अगर मैंने बैसाखी नहीं बनाई, अगर मैंने भंगड़ा नहीं पाया तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा अच्छा। और पुलिस का काम है जनता को खुश रखना, उनका दिल तोड़ना नहीं। आप तो पुलिस में भी नहीं है। पुलिस वालों के साथ तो हूँ। ये बात करेक्ट है, आई एम रेडी टोटली। तो तय हुआ, आज से हम पंजाबी में बात करेंगे ताकि थोड़ी पंजाबी वाली फील आए और उसी बहाने से हम भांगड़ा भी सीख जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या चंगी गल कर दिता। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा। चलो मैं डांस सिखाऊंगा, मतलब सीखूंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा। क्या है कि अभी नींद आ रहांगा, ऊपर जाऊंगा, सो जाऊंगा, कल उठाऊंगा, कल सिखाऊंगा। तब तक के लिए टाटांगा, बाबाइंगा और गुड नाइटिंगा। सीखिए कुछ। सीखांगा। सीखने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम से इस घर में ना दरवाजे से ना खिड़की से अंदर नहीं आएंगे यहाँ पर। ओके, गुड नाइट, जाइए। ओ बजाओ। Loser, bro. Sir Manav, ये बात बता, ये जो मिस्टर पी है, ये स्मगलिंग के अलावा और क्या क्या करता होगा? ये सुबह सुबह छेती छेती फ्रेश होता आएगा, फिर नाश्ता नुश्ता कर दाएंगा, फिर लंच कर दाएंगा, फिर डिनर कर दाएंगा, फिर सो जाता हैगा। मजाक करता आएगा, जोक्स मारता आएगा। तुझे ना जोक मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हंसी तो तेरी शक्ल देख के आ जाती है। क्या हाल बना के रख दिया है हेडक्वार्टर्स का। वाह वाह वाह, ओह ओह, बस बस। ये लस्सी देख, खटिया देख, चरखा देख, सांझा चूल्हा। ये चमकू ने तो चौकी दा मिनी पंजाब कर दिता पाजी। बल्ले बल्ले ते शावा शावा। बस गन्ने के खेत की कमी रह गई। आओ पाजी आओ, और भैंस दी भी। नहीं वो तो है, है? अरे कहा भैंस तो है। इस सर को फोन करके ड्रामा खत्म करता हूँ। यार लस्सी फेंट दे। एंजॉय। अभी बताता हूँ सर को क्या सब चल रहा है हेडक्वार्टर्स में, और ये स्पीकर पर डालता हूँ, सुन। बोलो आदि, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी टू से सर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी भांजी चमकू है सर। आपको पता है सर उसने क्या किया? अरे अभी तुम बताए की दौड़ रहे। अरे भोगा पटा बताएगा तो पता चलेगा क्या किया हमारा भांजी दी। सर उसने पूरे हेडक्वार्टर्स को पंजाब बना के रख दिया सर। लोग ड्यूटी करने की जगह एंजॉय कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं सर। बुरा। सर आप खुद ही बताइए सर, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट लिखाने के लिए हेडक्वार्टर्स में आता है सर, तो ये सब देख के उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा,
देखो चमकू बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका वजह से पब्लिक का पुलिस से डरना कम हो जाएगा और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, वो जो करता है करने दो। बुर्रा। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर? लेकिन बैकन कुछ नहीं, ये हमारा ऑर्डर है, फॉलो करो, ये तो तुम्हारा ट्रांसफर हम सीधा पंजाब करवा देगा। उधर में भांगड़ा करते रहो, याऊ याऊ करते रहो। ठीक है, यस सर। बात करता है, रखो फोन। पंजाब शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे जैसा पार्टनर भी नहीं मिलेगा ना तुझे। मैं बड़ा दल बदलू है तू। बुर्रा। ड्राइवर किधर गया साला? अरे हम जब भी जल्दी आता है ये लेट होता है। अरे हमारा मूड खराब कर दिया रे बाबा, मूड कैसे ठीक करेगा? एफएम लगाएगा। आलू का रंग बदल जाए तो मतलब आलू पक चुका है। ये भी पकड़ा है रे, वो पकड़ा है, बैंक चेंज करेगा रे। मिक्सर ग्राइंडर, जरा खाना खाते खाते कम आवाज निकाल रहा, क्या कर रहा? दिखने ना मैं काम कर रहा हूँ। भाई आदमी जब काम करता है ना तो उसे ऐसे काम करना चाहिए कि आसपास का ना कुछ दिखाई दे ना कुछ सुनाई दे। तू ना दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं। पूछने वाली की गल है, पुट्टे पुट्टे सवाल ना किया करो, लेकिन पूछ ही लेता तो बता देते हैं। दिन भर आप दोनों ड्यूटी विच बिजी रहते हो, डांस प्रैक्टिस करने का तो टाइम ही नहीं है, तो मैंने सोचा सी। तो आपने सोचा कि डांस प्रैक्टिस का तो टाइम है नहीं और डांस इनको आता है नहीं, तो इससे अच्छा इन दोनों को प्रोग्राम से बाहर ही निकाल देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सोचा, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। ना जी ना, प्रॉब्लम तो हुन शुरू हुई है। तो मैंने डिसाइड कर लिता कि डांस तो मैं हुने सिखावांगी। चंकू जी एक सेकंड, ये आपको कुछ नीचे गिर गया था क्या? स्क्रू है, ढीला होके नीचे गिर गया, कस लीजिए। ना 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 ना, एंदा एंदा गुस्सा नहीं पाजी, पंजाबी विच गुस्सा करो, बोलो तुसी कमले हो गए, आगे हो गए, आगे आगे सी। मामा बुर्रा। जो भी ऐसा कुछ पंजाब। देखिए चमकू जी, ना मैंने डांस सीखना है और ना ही मेरे को किसी प्रोग्राम में डांस परफॉर्म करना है, मैंने चुपचाप बैठकर अपना काम करना है। पर अगर आपको डांस सिखाने का इतना ही शौक है तो इसे अपने घर ले जाइए, घर जाके आप इसे दिल खोल के डांस सिखाइए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। वाह पहली बार चंगी गल कर दिता, चलो तुम्हारे घर डांस सिखूंगा सी। नहीं, डांस तो मैं ऐसे सिखावांगी, और जे तुमने मेरी गल ना सुनी ना तो मैंने मामू को फोन करके तुम्हारी शिकायत करनी है, डिमोशन कराना है थोड़ा। हाँ अच्छा, आप कमिश्नर सर को फोन करके हमारी शिकायत करेंगी? आहो। डिमोशन करवाएंगी? आहो। एक कहाँ गया? ओ यही है। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, मैं खुद सर को फोन लगाता हूँ और आप बात कीजिए। ना ना, नहीं? आज आज नहीं, कल कर लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, अभी बात कीजिए और हमारा डिमोशन करवाइए। हमारा नहीं, इसका इसका। हाँ कीजिए बात, कीजिए बात, कीजिए, कराइए हमारा डिमोशन। आप बोलते क्यों बंद हो गई आपकी? कीजिए, बोलती बंद नहीं हुई है, मामू का फोन बंद आ रहा है। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ। सर का फोन बंद आ रहा है,
अभी तो मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले सर से, और सर तो कभी अपना फोन बंद करते ही नहीं है। फोन बंद क्यों आ रहा है? इसनु हले तक होश नहीं आया, पानी वानी मारे नहीं इसने मुंह ते। ओ पाजी, आपने तो कहा था कि इसके सर पर डंडा मारना है। उसको अभी होश में लाना है, उसके लिए पानी मारना है। जा पानी लेकर आ। अरे आप हुक्म करो कितना पानी लाओ, एक बाल्टी या दो बाल्टी? होश में डालने के लिए एक गिलास पानी लेके आ। बस एक गिलास? ये तो मैं अभी ले आया यार। ओए कमिश्नर, इधर उधर की देख रहे हैं? FM2 अभी FM2 के अंदर आपको अच्छा अच्छा गाना सुनाएगा, भाभी लड़का हिट सॉन्ग। एक कमिश्नर, क्या ड्रामा लगा रखा है तू? शायद मुझे जानता नहीं है। FM3 मुंबई में अचानक बारिश होने से फिल्म स्टार शक्ति कपूर को नहाने का मौका मिल गया। ये छक्का, बॉल 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 को पीछे पकड़ा है, बॉल आगे जाता है, बैट्समैन पीछे मारा है, ये चौका लगा रे। PPL का पंजाब टीम जीतने वाला है। अरे पंजाब का टीम है लेकिन इसमें एक भी आदमी पंजाब से नहीं है, फिर भी पंजाब टीम है। PPL गेम। क्या हो रहा है ये? इस चमको ने हेडक्वार्टर्स को क्या बना के रख दिया है? हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर्स ही नहीं लग रहा यार। अरे बल्ला 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 बल्ला, अरे हट जा हट जा, अरे बल्ला बल्ला ये शावा शावा। ओ जी पुछड़ दी की लोड़ है, बड़ी बड़ी अक्खियां लगा के ऐवे पूछे जा रहे हो? जी घास है बादशाह। घास? घास की जरूरत? ओ जी बलुंगड़िया, ओ जी पोलू नु खिलाने वास्ते। पोलू? कौन पोलू? ओ जी साड़े पिंड दी शान, साड़ा बैल पोलू। ओ जी आ गया जी, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। आ पोलू आ, ओ जी अड़ जाओ, ओ जी अड़ जाओ जी, इसके सिंह ना कतार विच तेज है, कहीं घुस गए ना तो पता भी ना चलेगा कि मरे कैसे। आ पोलू आ, आ बेटा आ, लंच टाइम है जी इसका। आ पोलू आ जा बेटा आ जा, आ खा खा बेटा खा, आराम नाल खा तू खा। बैल कितने है? तो घास भी कितने है। ओ जी देखो जी, आप ना जी जाओ वरना मेरे वर्गे गबरू जवान का माथा खनक गया ना तो सियाप्पा पे जाएगा। ओ गबरू जवान, बहुत हो गया तेरा, अभी मैं कमिश्नर सर को बोल ही दूंगा। या तो ये चमकू का सारा ड्रामा बंद होगा या फिर वो मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट करे। और मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि कमिश्नर सर तेरा ये सेकंड वाला ऑप्शन एक्सेप्ट कर ले। मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, तू फोन कर लेना सर को। डायल किया गया नंबर इस सर का फोन बंद क्यों आ रहा है यार अब तक? ओ जी गोगोल वीर जी। बॉस। सॉरी सर। हिंदी। मतलब गोगोल दादा आज लगता है बहुत बिजी है इसलिए हेडक्वार्टर्स भी नहीं आए, पर उनके ड्राइवर ने बताया कि वो घर पे भी नहीं है। मुझे क्या लगता है गोगोल सर छुट्टी पे निकल गए होंगे। बाकी सब ठीक है, बल्ले बल्ले शावा शावा। छुट्टी पे जाने का ये कोई टाइम हैगा? कौन सा पहली बार वो छुट्टी पे गए, और जब भी वो छुट्टी पे जाते भी हैं तो अपना फोन कभी नहीं बंद करते। जब से सर का फोन बंद हुआ है मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। ओ की म्यूजिकल कप पाया थे,
किधर पियू दा व्याह चल रहा है टाटा जी चित्रहार चल रहा है अब भी सुनो बड़ा मजा आएगा अच्छा चित्रहार देखी के थे की चल रहा है टाटा मिस्टर पीपा जी जदों दा इसनु लेके आए ना ए रेडियो दी तरह बज रहा है कभी कुकिंग शो लगा देता है कभी ये न्यूज़ लगा देता है कभी स्पोर्ट्स लगा देता है और कभी तो ये गाने गाने लगता है ओए पेड़ी बूथी और ये गाने नहीं सुना रहा और ये तुम लोगों का ढेचू बना रहा है ढेचू ओ पाजी यार ढेचू क्यों होता है अरे ढेचू माने गधा ओ अच्छा ओए शेरू एक काम कर जा इसकी भांजी को चुक लिया अब उससे ही गल बढ़ेगी और भांजी को कुछ मत करना देखिया देखिया और भांजी का नाम सुनते ही रेडियो एकदम चंगा हो गया जी ए देखो तुम बहुत गलत किया है एक पुलिस कमिश्नर को किडनैप किया है ये ठीक नहीं है तुम पुलिस से बच पाएगा कैसा बच पाएगा नहीं बच पाएगा समझा ए कमिश्नर पुलिस से कैसे बचना है ये तो हम बाद में देख लेंगे पहले तो तू मुझे ये दस ना तो तेरी कोई बहन सीगी और ना ही उसकी कोई बेटी तो फिर ये तेरी भांजी कितों आ गई आठा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कमिश्नर साहब किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं ऐ गल भी तैनू पंजाबी विच बोलनी हैगी पंजाबी असी बुरा सही बोलता हैगा चूल्हे में डालो पंजाबी को यहाँ मामू को कोई आता पता नहीं और तुम्हें पंजाबी की पड़ी है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामू को ना किसी ने किडनैप किया है पूछो क्यों क्यों अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है देखा नहीं है तुमने फिल्मों में जब भी किसी इंसान का फोन स्विच ऑफ आता है तो अक्सर उसका किडनैप हो जाता है अरे चमकू जरा शुभ शुभ बोलिए ये भी तो हो सकता है कि सर बाथरूम में नहाते नहाते फिसल गए उनका सर किसी चीज से टकराया हो और वो ऊपर निकल गए हो ये तो शुभ शुभ कह रहा है दादा नौटंकी बंद ओके सर अच्छा तुम दोनों बताओ ना कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए मामू का मैसेज है क्या नहीं किसी अननोन नंबर से कोई क्लिप आया तुम लोग को क्या है झुंड को इकट्ठा कर लिया ऑडियो क्लिप है ऑडियो मैसेज अरे तो पहले बोलना था ना यार ऐसे ही यार हर चीज को देखने के लिए टूट पड़ते हो मिस्टर पी टू तो मिस्टर पी नहीं है मेरा फोन है ये हक कर रहा है यार मुझे तो पहले से ही पता था मामू का किडनैप ही हुआ है सर अब हम क्या करेंगे करना क्या है अगर सर वन पीस में चाहिए तो मिस्टर पी का सामान पोर्ट से पीसफुली निकलने दो नो अगर सर हमारी जगह पर होते तो कभी ऐसा नहीं होने देते लेकिन हम अगर ऐसा नहीं होने देंगे तो सर हमारी जगह क्या दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं होंगे देख हम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं 6 बजे बोला ना उसने हाँ। कि 6 बजे उसकी बोट आएगी उससे पहले हर हाल में हम सर को ढूंढ लेंगे हाँ और उस खुद्दे के पुत्र मिस्टर पी को उसकी सही जगह दिखाएंगे लेट्स गो सर संभल के जाना मैं इंतजार करूंगी तुम इंतजार ही करो तुम इंतजार करती हो या अच्छी लगती हो वो सुतरो आगे मैं बैठूंगा हाजी सर क्या तू बच्चे की तरह जिद कर पीछे बैठ जाना अगर मैं आगे नहीं बैठा तो ये गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी लेकिन पीछे तो जा सकती है बाय बाय अबे ए रुक कमिश्नर गोगोल को कहीं देखा है तुमने नहीं तुमने नहीं तुमने कमिश्नर गोगोल को कहीं देखा है वो अभी तक कमिश्नर है क्या ए काम करो अपना थैंक यू हे मां मेरे मामू जहां भी हो
उनकी रक्षा करना। कमिश्नर, आपको मिस्टर पी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, हमने हर जगह पर रेड मारी जहां सस्पेक्ट था, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। ठीक है सर, टाइम बहुत कम है, आप प्लीज जरा पता लगाइए। थैंक यू। खबरी सर को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे सोर्स यूज के लिए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा सर के बारे में। सर, अब हम क्या करेंगे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।